नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टॉप शेयर्स है जिसमें आपको इन्वेस्ट करने चाहिए, तो टॉप 5 शेयर्स बताएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब है आप 6 महीने के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, जैसा हो उसके अनुसार आप अपना मतलब टाइम जो है डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन लगातार कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स आपका ध्यान रहना चाहिए। तो जो पहला शेयर है हमारा इंडिया मार्ट इंटरमेस, दोस्तों जब से हमने बताया है इसमें देख सकते हैं तेजी बरकरार है। एक दिन 5% का सर्किट लगा था, उसके बाद फिर से इसमें लोअर सर्किट लगा था, लेकिन उसके बाद यहां पर देख लीजिए 20% का आप देख सकते हैं 20% का अपर सर्किट, या कहें कि 20% का तेजी देखने मिल रहा है आज इसमें। हमने जो बताया था उस समय ये 3000 रुपये के पास शेयर होता था, वहां से देखते हैं 50% का रिटर्न आपको प्राप्त हो रहा है। तो हमने भी इसमें इन्वेस्ट किया था, हमने भी थोड़ा सा तेजी जैसे आया तो इसमें इन्वेस्ट किया था। आज हमारा जो पोर्टफोलियो वो इसमें 25% से अधिक का रिटर्न प्राप्त हो रहा है। तो समझ सकते हैं एक इतना बेहतरीन शेयर जिसका बिजनेस भी काफ़ी बेहतरीन है, आने वाले समय में काफ़ी ग्रोथ भी होने वाला है, और कोई भी सिचुएशन का इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे कोई भी पैंडमिक सिचुएशन आ जाए। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, जब भी गिरावट में आपको मिलता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या इसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि SIP हमने इसमें स्टार्ट किया, इसमें 2 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी इसी तरह से इन्वेस्ट करते रहना है। जैसे जैसे थोड़ा सा गिरावट मिलता है, कभी भी करेक्शन पर मिलता है, तो यहाँ पर देखते हैं जब ये लिस्ट हुआ था मात्र 1149 रुपये का शेयर था, और अभी आप देखते हैं 4 टाइम्स का रिटर्न यहाँ से देख लीजिए आप, मतलब 300% का रिटर्न दे चुका है, मतलब 4 टाइम्स हो चुका है शेयर। तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, क्योंकि ई कॉमर्स इसका वेबसाइट है, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है जो कभी भी प्रभावित होने वाला नहीं है। जितना ये सिचुएशन आप देखने ख़राब है तो इसको उतना बेनिफिट्स हो रहा है क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में है। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गिरावट में। दूसरा शेयर जो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, जो कि हमने आपको बताया था कि आपको मल्टी बैगर शेयर सीरीज में भी आपको हमने इंडिया मार्ट इंटरमेस, फाइन ऑर्गेनिक्स, इन सारे शेयर्स को बताया था, तो ये भी शेयर काफ़ी बेहतरीन है। इस शेयर में भी किसी दिन 5% का सर्किट ऊपर का दिशा में लगता है, तो किसी दिन लोअर सर्किट लगता है, तो इस तरह से देखते हैं। लेकिन लगातार ये सर्किट लगता है, लेकिन लगातार कंपनी का जो प्राइस है वो लगातार ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने आपको बताया था वहाँ से ये 23% ऊपर बढ़ चुका था, लेकिन फिर इसमें गिरावट आया, थोड़ा सा करेक्शन आया और 15% डाउन है अभी, 10% डाउन हुआ है वहाँ से। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे गिरावट आता है कभी, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 डेज देखते हैं, पहले ये 2800 के ऊपर हुआ था, अभी 2500 आपको मिल रहा है, अभी चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है, 2 साल ही इसका लिस्ट होना हुआ है, और ये भी स्टॉक्स आपको काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। चार्ट देख लीजिए कितना सॉलिड है, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये, आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे चल करके ये सारे शेयर आपको 5000 से ऊपर देखने मिलेंगे, तो अगर मार्केट में तेजी बना रहा, अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो निश्चित है कि इसमें भी करेक्शन आएगा। उसके बाद जो अगला शेयर है जो कि फार्मा सेक्टर से आरती ड्रग्स, इसका बोनस शेयर भी आ चुका है, तो जैसे बोनस आता है तो ये स्टॉक्स आपको काफ़ी नीचे के प्राइस पर 800 के आसपास मिलेंगे, लेकिन काफ़ी बेहतरीन शेयर है। आरती इंडस्ट्री, आरती ड्रग्स, आरती सर्फेक्टेंस, इस ग्रुप की 3 कंपनियाँ हो चुकी है, 2 कंपनियाँ जो कि काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया, आरती ड्रग्स और आरती इंडस्ट्रीज़, दोनों काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में देखिएगा, इसमें भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देख सकते हैं, 5 ईयर्स में 430%। अगर मैक्सिमम ईयर की बात करें तो मैक्सिमम ईयर में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देख सकते हैं, यहाँ से 7000 के अप्रॉक्स रिटर्न दिया है, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है, आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगातार देख लीजिए, कभी भी आप इसका देख लीजिए चार्ट, ये लगातार आपको अप ट्रेंड में ही इसका प्राइस दिखेगा, यहाँ पर देख लीजिए लगातार अप ट्रेंड में, 5 डेज में देख लीजिएगा तो फ्लैट रहा है, तो यहाँ पर गिरावट आया था, आप इस गिरावट में चाहते तो इन्वेस्ट कर सकते थे, 2600 के आसपास मिल रहा था, यहाँ पर आप SIP स्टार्ट कर सकते थे। जैसे बोनस मिलेगा तो बोनस का आपको भी फायदा मिलेगा। उसके बाद अगला जो शेयर है हमारा, जो चौथा हमारा बेहतरीन शेयर है जो कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, वह है info.edge.naukri.com। ये सारे वैसे शेयर है जिस पे कोई भी सिचुएशन का, किसी भी पैंडमिक का खास असर नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत असर पड़ा है, इसका जो भी बिजनेस है थोड़ा सा एड रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, लेकिन बिजनेस चल रहा है, बिजनेस में कोई भी खास असर नहीं पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा एड रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है इस शेयर का भी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5 डेज में तो 5
डेज में भी देखते हैं अप ट्रेंड में है, एक दिन में तो ये 5% का देख सकते हैं अपर सर्किट में है। वन मंथ में देखिएगा, वन मंथ में भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, थोड़ा सी यहाँ बीच में गिरावट आया था तो आप यहाँ पर 3200 रुपये के आसपास तो आप ले सकते थे। अब यहाँ पर वन मंथ में देखिएगा, वन मंथ में भी पॉजिटिव रिटर्न, मतलब जितना भी टाइम इंटरवल आप चूज किए उसमें आपको ये पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ मिलेगा, तो आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट में देख लीजिए तो कितना चार्ट सॉलिड है, कभी भी ये इसमें काफ़ी आपको ज़ोरदार गिरावट देखने नहीं मिलेगा, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। तो इस शेयर में कभी भी गिरावट आता है तो लोअर लेवल पर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये बाय ऑन डिप्स वाले सीन है, आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे हमेशा ध्यान रखें। कभी भी कंपनी के फंडामेंटल्स में दिक्कत आती है, गड़बड़ी आती है, तो आप तुरंत वहां पर जो है एग्जिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो एग्जिट करने के लिए वीकली चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जो वीकली चार्ट होता है उस पर देखें, कभी भी ये अपना प्रीवियस लो तोड़ता है, जैसे प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं प्रीवियस ये लो है, अगर कभी भी ये अपने लो को ब्रेक करेगा तो आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन ये लो तो पैंडमिक के कारण है, मतलब इसमें सारे शेयर में गिरावट आया था, तो दूसरे लो पर आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे यहाँ से अब ये ब्रेकआउट देता है तो इसी लो को आप स्टॉप लॉस लगा लेंगे, इसी लो को, यहाँ पर जो लो है 3200 रुपया, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आप यहाँ पर मतलब इन्वेस्ट करते जाइए लॉन्ग टर्म के लिए, और फिर कभी ये यहाँ से मोमेंटम दिखाता है जैसे 5000 का, और वहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट होता है, हमेशा एक मोमेंटम के बाद स्टॉक में थोड़े समय के लिए करेक्शन आता है, या तो प्राइस वाइज करेक्शन या तो टाइम वाइज करेक्शन, करेक्शन भी दो तरह का होता है। धीरे धीरे आपको हम इस चैनल पर सिखाएंगे कि करेक्शन जो टाइम वाइज होता है और दूसरा प्राइस वाइज होता है, तो एजुकेशन वीडियो जो है हम एक सीरीज लाएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसमें हम आपको हर चीज़ सिखाएंगे। तो ये स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना है, और यहाँ से जैसे ऊपर का मोमेंटम दिखाता है तो फिर आपको एक जो लेवल आएगा वहाँ पर जो करेक्शन दिखाएगा, और वहाँ से मोमेंटम के बाद मतलब अगला मोमेंटम जो आएगा यहाँ के मोमेंटम के बाद अगला मोमेंटम, तो उसका जो बॉटम होगा उसको स्टॉप लॉस लगा देना है। इस तरह से चलते जाना है लगातार। उसके बाद हमारा है अतुल लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है दोस्तों। इस कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, तो रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा आपको बोनस देगा ये कंपनी। आप ये भी कंपनी देखेगा तो एक महीना में देख लीजिए, 6 मंथ में देख लीजिए, इसका चार्ट हमेशा आपको अप ट्रेंड में ही दिखेगा। देख लीजिए गिरावट तो पैंडमिक में इस स्टॉक में भी आया था, देखना है पैंडमिक से पहले भी ये 5000 रुपीज़ से एवव का स्टॉक हुआ करता था, जब गिरावट आया था पैंडमिक में तो ये मात्र 3500 रुपये में मिल रहा था, वहाँ से फिर देख सकते हैं ये रैली दिखाया ऊपर का 6400 तक का रैली ये यहाँ पर दिखा चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन शेयर है। आप 5 ईयर्स में चार्ट देखिएगा, देखिए कितना सॉलिड है, इतना सॉलिड चार्ट आपको काफ़ी कम कंपनियों को देखने मिलेंगे। देखते हैं कभी भी इसमें कोई भी गिरावट नहीं आया, मतलब हर गिरावट में बाय ऑन डिप्स वाले शेयर हैं। 358% का रिटर्न, 358% का रिटर्न दे चुका है 5 ईयर्स में। आप मैक्सिमम ईयर की बात करें तो ये इसमें भी देख लीजिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न, 58000% का रिटर्न। अगर 2000 ईस्वी में कोई इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक उसे 58000% का रिटर्न प्राप्त होता, मात्र 10 रुपये का शेयर था उस समय। तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है ये 5 शेयर, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं अपने लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से। लॉन्ग टर्म कहने का मतलब हुआ साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल, 10 साल, जितना आपका टाइम होराइजन हो सिलेक्ट कर सकते हैं। और वीकली चार्ट पे आपको देखना है और कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना है, इन दो में से कभी भी मतलब वीकली चार्ट पे ये अगर अपने पिछले लो को ब्रेक करता है तो आप वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, और मतलब बाय तो आप कर लेंगे, एग्जिट कब करना है प्रॉफिट लेकर के ये बता रहे हैं कि वीकली चार्ट पर कभी भी अपने पिछले लो को ब्रेक करता है तो आपको वहां पर एग्जिट कर लेना है। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी गड़बड़ी दिखाई देता है तो वहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो ये 5 बेहतरीन शेयर थे जिसमें आपको अभी इन्वेस्ट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से, लेकिन मार्केट पर हमेशा ध्यान देंगे, मार्केट में करेक्शन आता है, इन सभी शेयर में भी करेक्शन आएगा, तो वैसे में आपको ये काफ़ी नीचे के प्राइस पर आपको मिल सकता है। तो आप लगातार SIP करते रहेंगे, गिरावट में मिलता है तो गिरावट में बाय करेंगे, गिरावट में और अधिक बाय करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।